Hey guys, welcome you all. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंडिकेटर्स के साथ किस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पहला इंडिकेटर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रहेगा डोइंचन चैनल जो कि आपको लगभग बोलिंगर बैंड की तरह दिखता है, और दूसरा रहेगा हमारे पास MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। लेकिन इसके अंदर MACD की हम एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे, इसके अंदर हम MACD के क्रॉस ओवर का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हम बेसिकली एंट्री किस तरह से लेने वाले हैं वो मैं आपको चार्ट के ऊपर एक बता देता हूँ। तो देखिए एंट्री मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 15 मिनट्स का हमारे पास चार्ट टाइम फ्रेम रहेगा, और यहाँ पे एंट्री हमारी रहेगी कि जब आपका जो क्लोज प्राइस है वो डोइंचन चैनल के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, और जो MACD है आपका, जो जैसे कि इस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया, तो इस MACD की वैल्यू लगभग आपकी देखेंगे 0.77 है, तो इसकी वैल्यू पिछले 15 मिनट के टाइम फ्रेम की MACD से ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे कि आप पिछले 15 मिनट का टाइम फ्रेम का MACD देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है लगभग 0.65 है, और जो नेक्स्ट का है वो है लगभग 0.77 या 78। तो इसका मतलब कि जो MACD की वैल्यू है पिछले MACD से ज्यादा है, और साथ में आपका जो क्रॉसओवर है यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल ने डोइंचन चैनल को क्रॉसओवर किया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री कंडीशन बनेगी विद 2% ऑफ स्टॉप लॉस, 6% ऑफ टारगेट और 2% की ट्रेलिंग के साथ। इसके हम पिछले लास्ट 3 मंथ के रिजल्ट देखेंगे किस तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आप इसको आराम से अपनी स्ट्रेटजी को बना के, सिंपल स्ट्रेटजी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, आप इसको 1 साल 2 साल तक प्रैक्टिस कीजिए। उसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि आपको बैंक की FD से लगभग दुगने या तिगने रिटर्न्स, आपको ज्यादा ही रिटर्न्स दे देंगे। मतलब 3 महीने के अंदर इसने 14% रिटर्न दिए हैं, और बाकी अगर आप देखेंगे तो, और पिछले 1 साल का प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको रिजल्ट्स के अंदर अच्छे मिलेंगे तो आप बेशक इसके अंदर जा सकते हैं। चलिए मैं स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूं। यहां पे पहले स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, नाम देता हूं मैं डोइंचन, यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक्स, इसके अंदर हम कुछ चूज कर लेते हैं, अलग अलग सेक्टर के चूज कर ले, जैसे पहला हमारा हो गया माइंडट्री, हम कर लेते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो अपने किसी स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि अलग अलग हमारे सेक्टर जो है वो कवर हो जाए। गेल हो गया हमारे पास, एक हो जाएगा हमारे पास गोदरेज कंज्यूमर जो कि आपका FMCG हो जाएगा, गोदरेज JCP मतलब कंज्यूमर हो गया आपका, और आएगा हिंदुस्तान जिंक कर लेते हैं हम एक, इसके बाद हम कर लेते हैं इसके अंदर एक बायोकॉन कर लेते हैं, और साथ में एक आधा स्टॉक और हम कर लेते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सीमेंस कर लेते हैं हम यहाँ पे, SIE। ओके तो यहाँ पे 6 स्टॉक्स हमने कर लिए हैं, बाकी इसके अंदर आप चाहे तो और भी स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं। बाकी मैं इसको डन कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक यहाँ पे डाल सकते हैं। इन स्टॉक्स के अंदर रिजल्ट्स के अच्छे हैं तो मैंने आपको इस स्टॉक डाल के दिखा रहा हूँ, बाकी स्टॉक्स आपको जो अपने चूज करने हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए चार्ट टाइप, इसमें कैंडल रहेगा, 15 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम रखना है। होल्डिंग टाइप्स आपकी CNC NRML रहेगी यहाँ पे। क्वांटिटी के अंदर देखिए मैक्स एलोकेशन सपोज कीजिए आपके 6 स्टॉक्स हैं, आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो 50,000 रुपीज पर पे हम अलॉट कर देते हैं, पर स्टॉक से ऊपर अलॉट कर देते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन हमारी बाय की, हम यहाँ पे बनाएंगे, असिस्ट को पहले बंद कर देता हूं मैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें बनाना है कि क्लोज प्राइस आपका जो है वो क्या होगा, क्रॉसेस अबव होगा डोइंचन चैनल के, तो यहाँ पे क्लोज प्राइस लिखेंगे, उसके बाद क्रॉसेस अबव लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे डोइंचन चैनल, और यहाँ पे हमारा सेम डिफॉल्ट सेटिंग की अपर बैंड। अब देखिए डोइंचन चैनल में ना 3 बैंड मिलते हैं आपको, एक मिलता है अपर जो ऊपर वाला है, एक होता है मिडल जो कि बीच वाला है, और एक होता है लोअर जिसको कि सबसे नीचे वाला कहते हैं। तो अपर बोलिंगर बैंड रहेगा, बाकी लोअर और हायर पीरियड हमारा सेम डिफॉल्ट रहेगा, और इसे हम डन करेंगे। दूसरी जो सेटिंग एड करनी है सिंपल MACD करनी है कि MACD यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे रखेंगे हम हायर देन, और यहाँ पे रखेंगे हम MACD, और यहाँ पे ऑफसेट माइनस पर, मतलब कि पिछले MACD की वैल्यू से करंट, मतलब कि 0 का मतलब होता है करंट कैंडल, -1 का होता है प्रीवियस कैंडल, और -2 का आप करेंगे तो प्रीवियस सेकंड कैंडल हो जाएगी, तो इस तरह से आपका ऑफसेट काम करता है। तो इस कंडीशन का मतलब है कि MACD की जो करंट वैल्यू है वो हायर देन होनी चाहिए MACD की पिछली वैल्यू के, जो भी टाइम फ्रेम आपने रखा है वो टाइम फ्रेम चाहे 15 मिनट का है, चाहे 1 घंटे का है, चाहे आधे घंटे का है। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट लिया है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी MACD की वैल्यू पिछले MACD की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बताया था कि 2% का हम इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, और 3 गुना टारगेट रखेंगे, मतलब कि 6% का, और 2% की ट्रेलिंग यहाँ पे रखेंगे। आप चाहे तो बिना ट्रेलिंग के भी काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग ऑप्शन है तो इसे हम यूज करके यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट बटन के क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक बार स्ट्रेटजी को यहाँ पे रिव्यू करेंगे। देखिए
सारा कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे, इज एवरीथिंग ओके, तो हम यहाँ पे इसको बैक टेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 बैक टेस्ट का ऊपर बटन मिल जाता है आपको, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोडिंग चल रही है, तो सीमेंस के अंदर आप देखेंगे 7% का आपको रिटर्न मिला है, बायकॉन में भी आपको 7% का रिटर्न मिला है, हिंदुस्तान जिंक के अंदर देख लेते हैं लगभग 30% का रिटर्न है आपको, गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर आपको देख लेते हैं 17% का रिटर्न मिला है, गेल के अंदर देखेंगे आप तो आपको 21% का रिटर्न मिला है, और माइंडट्री के अंदर आखिरी में आपको लगभग 9% का रिटर्न मिला है। ओवरऑल रिटर्न देखेंगे 13% का है, ब्रोकरेज अगर आप इसकी ऑन कर देते हैं तो लगभग 9% या 10% अगर फिर भी बचता है, क्योंकि आपकी सीएनसी है तो ब्रोकरेज आपका कुछ लगेगा नहीं। ट्रेड्स अगर आप देखेंगे सिर्फ 86 नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए हैं आपके, सिर्फ पिछले 3 मंथ्स का बैकटेस्ट है आपका, ये मतलब कि क्वार्टरली कह सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आपको 14 या फिर 10% आपको मिला है। तो अगर साल के अंदर आपका ये 30 से 35% या 40% आपको दे देता है तो आपकी एफडी से काफी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, और आप चाहे तो इसके अंदर पिछले 5 से 7 साल का बैकटेस्ट भी स्ट्रिक के अंदर करके यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रिक के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट है आपकी अलग से स्ट्रिक के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिक को चलाना सीखना है तो उसके अंदर बेसिक से लेके अभी तक के एडवांस जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सब आपको वहां पे मिल जाती है, और वहां पे आपको एक स्ट्रीक का पता लगा कि स्ट्रीक क्या है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए स्ट्रीक आपका यूजफुल है आपकी बैक टेस्टिंग के लिए, बहुत अच्छे से बैक टेस्ट करके आप इसके अंदर मतलब किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर आपको अगर घुसना है, ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि पास्ट में इसने क्या रिटर्न दिए हैं। कम से कम 1 साल का बैक टेस्ट आप कीजिए, अगर उसके रिटर्न आपको अच्छे लगते हैं तो भी आप उस स्ट्रेटजी के अंदर वर्क कीजिए। और सपोज कीजिए आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं जिसका कि आपको रिजल्ट नहीं पता पास्ट में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप उसको ट्रेड कर रहे हैं और आपको उसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता कि स्ट्रेटजी प्रॉफिट में आएगी भी या नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग लगातार स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जिसका कि आउटकम क्या होता है कि हमें लॉसेज यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। तो स्ट्रेटजी पे आप स्टिक रहिए, आपको एक सीएनसी मतलब कि एक पोजीशन स्ट्रेटजी अगर मिल जाती है तो उसको आप लंबे समय तक के लिए पहले बैकटेस्ट कीजिए और उसके ऊपर फिर अपना फंड डाल के अपना आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। इसके अंदर देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 86 है, जिसमें 56 टाइम्स आपको विन मिला है, 27 टाइम्स आपको लूज मिला है, मतलब कि 50% से अबव की एक्यूरेसी है। और यहाँ पे अगर आप विनिंग स्ट्रीक देखेंगे 2.83 विनिंग स्ट्रीक है, 1.83 लूजिंग स्ट्रीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका -2.3 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी चीज को अगर आप देखेंगे सीएनसी नॉर्मल्स के अंदर काफी अच्छे रिटर्न है। अगर इसी को एमआईएस में कर दूं, एमआईएस के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स एमआईएस इंट्राडे के अंदर इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो फिर भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इंट्राडे के अंदर क्या रिजल्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। So, यहाँ पे आप देखेंगे इंट्राडे के अंदर आपको पिछले 3 महीने में 4% के रिटर्न मिले हैं, लेकिन ट्रेड्स आपके 175 हो जाते हैं और यहाँ पे आपको ब्रोकरेज भी लगेगी तो आपका लगभग -1.69% का रिटर्न आपको रहा। तो बेटर है कि आप सीएनसी एनआरएमएल ही स्ट्रेटजी को यूज करें, क्योंकि मैं कई बार स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं सर, या फिर व्हाट्सएप आते हैं कि सर इसका एमआईएस के अंदर रिटर्न मतलब इंट्राडे अगर हम करना चाहते हैं तो क्या रिटर्न है। तो मैंने सोचा अगली बार से जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सीएनसी मतलब पोजिशनल की, उसको मैं आपको इंट्राडे भी बैकटेस्ट करके दिखा दूंगा एक बार, कि मोटा मोटा आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे कि ब्रोकरेज ऑन करने के बाद अगर आप पोजिशनल जाते हैं उसमें आपको 10% का प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग 2% का लॉस है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास बैक टेस्टिंग नहीं होती तो आप क्या करते, आप सिंपली इसी स्ट्रेटजी को इंट्राडे में चलाते, आपको ये लॉस फेस करना पड़ता 3 महीने बाद और आपको लगता कि हाँ स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, फिर यहाँ पे आप स्ट्रेटजी चेंज करते, फिर कोई और स्ट्रेटजी यूज करते वो भी नहीं चलती, फिर उसको चेंज करते। लेकिन यहाँ पे आपके पास बैक टेस्ट है, आपने देखा सीएनसी एनआरएमएल के अंदर इसके रिजल्ट अच्छे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ पास्ट में रिजल्ट अच्छे हैं तो आगे भी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सो होपफुली आई थिंक आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रिक को किस तरह से यूज करना है, स्ट्रेटजी को किस तरह से यूज करना है। स्ट्रेटजी की रिक्वेस्ट थी मेरे पास, सो स्ट्रेटजी की रिक्वेस्ट थी जो कि मैंने यहाँ पे पूरी कर दी है। स्ट्रिक की बेसिकली वीडियोस में लाता हूँ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं मुझे उसके ऊपर मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूँ। बाकी हाँ कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती है जिसका मुझे पता होता है कि इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो मैं उसको पहले प्रैक्टिस करके देख लेता हूँ, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के यहाँ पे मतलब असल में क्या होता है वेस्टेज ही होता है, मैं वीडियो बनाऊं और आपको कुछ देखने उसमें कुछ मिले भी ना तो सब कुछ फायदा नहीं होता। तो आप जो भी वीडियोस मतलब की बैक टेस्ट मुझे बोलते हैं तो वो मैं बैक टेस्ट करके देख लेता हूं, अगर वो अच्छे होते हैं तो ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूं, अगर वो अच्छे नहीं होते तो उसके ऊपर वीडियो मैं यहाँ पे नहीं बनाता हूं। काफी लोग सोचे कि मैं उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं, तो इस यही कारण है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है ना वो क्या बोलते हैं उनके जो बैक टेस्ट होते हैं उनके अंदर
कुछ खास मतलब प्रॉफिट हमें देखने को मिलता नहीं है, मतलब या तो कॉस्ट टू कॉस्ट होगा या तो ब्रोकरेज ऑन करने के बाद वो नेगेटिव में जाता है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर वीडियोस यहाँ पे नहीं बनाता हूँ। तो आप रिक्वेस्ट करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपकी इसमें से अच्छी स्ट्रेटेजी होंगी मैं यहाँ पे हर वीकली सैटरडे या संडे को मैं यहाँ पे स्ट्रीक के ऊपर एक वीडियो यहाँ पे जरूर बनाता हूँ। तो यहाँ पे पिछले वीक मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था, तो नेक्स्ट वीक से लगातार मैं यहाँ पे वीडियोस फिर से लेके आता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं वाइंड अप। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो मेरा नंबर भी व्हाट्सएप पे दिया गया है, मतलब कि कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कि मैं अपनी पेड स्ट्रेटजीज के रिटर्न डेली टू डेली अपडेट करता रहता हूँ, और बाकी कुछ कुछ चीजें अगर आपको अपडेट चाहिए होता है मार्केट का तो भी वो भी आपको वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही मेरा टेलीग्राम के ऊपर आपको मेरा नंबर भी मिल जाता है ताकि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है मार्केट रिलेटेड या फिर एल्गोस रिलेटेड या फिर स्ट्रेटजीज रिलेटेड तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।